हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं अंकित कटियार और आज हम लोग बनाने जा रहे हैं प्रोटीन पैनकेक। और ये प्रोटीन पैनकेक बहुत ही अच्छा है मसल बिल्डिंग और फैट लॉस के लिए। चलिए आइए देखते हैं हम लोग इसको कैसे बनाते हैं, लेट्स गो। तो प्रोटीन पैनकेक बनाने के लिए हम लोग को कौन कौन से इन्ग्रीडियंट चाहिए। तो पहला इन्ग्रीडियंट है 50 ग्राम ऑफ ओट्स। तो हम लोग का दूसरा इन्ग्रीडियंट है 1 स्पून ऑफ पीनट बटर। और हमारा थर्ड इन्ग्रीडियंट है बनाना। तो हम लोग का फोर्थ इन्ग्रीडियंट है एग, 1 whole egg। और हम लोग का फिफ्थ इन्ग्रीडियंट है वे प्रोटीन पाउडर। अगर हम लोग का प्रोटीन पैनकेक जो है, अगर आप उसको चॉकलेट फ्लेवर करना चाहते हैं तो आप उसमें चॉकलेट प्रोटीन पाउडर यूज़ करिए। अगर आपको वनीला यूज़ करना है तो आप वनीला वे प्रोटीन यूज़ कर सकते हैं। अंकित, अगर हम लोग को मिंट फ्लेवर पैनकेक्स में लाना हो तो क्या हम लोग नाइस के गर्मी प्रूफ पाउडर इस्तेमाल कर सकते हैं? जितने भी ये नए सब्सक्राइबर बने हैं, ये जाली प्रोटीन पैनकेक खा के मर जाएंगे सबके सब। इसकी बातें आप ज़्यादा उतना सुनिए। तो हम लोग का जो सिक्स इन्ग्रीडियंट है वो है चिया सीड। और जब लोग का सेवन्थ इन्ग्रीडियंट है वो है दूध। और इसको बहुत कम लेना है, सिर्फ हम लोग ये फ्लेवरिंग के लिए डाल रहे हैं। और जो हम लोग का एट एंड लास्ट इंग्रेडिएंट है वो है हनी। तो अब हम लोग सारे इंग्रेडिएंट्स को मिक्सर में डालने वाले हैं और इसको ब्लेंड करेंगे। उससे पहले जो लोग मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं वो ये जो लाल बटन दिख रहा है सब्सक्राइब का, उसमें चाहे प्रोटीन पैनकेक फेंक के मारो पर मेरा चैनल सब्सक्राइब हो जाना चाहिए। तो पहले हम लोग डालेंगे इसमें ओट्स, फिर उसके बाद इसमें डालेंगे 1 or 2 चॉप बनाना। हम लोग डालने वाले हैं पीनट बटर, जैसा कि बताया था 1 spoon इज इनफ। फिर हम लोग डालेंगे इसमें 1 whole egg। और हम लोग डालेंगे 1 scoop वे प्रोटीन पाउडर। हम लोग डर्मी बोल या नाइजर पाउडर तो नहीं डालना है, पर आप इसी जगह बॉर्नविटा यूज कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। और हम लोग इसमें डालेंगे चिया सीड, इसमें 1 spoon तक डालनी है आपको, देखनी है। तो अब हम लोग इसको मिक्स करेंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, ये देखिए कितना ज़्यादा थिक हो चुका है। और तो इसमें हम लोग थोड़ा सा दूध ऐड कर रहे हैं। अब इसको आप लोग उतनी देर तक मिक्सी में डालिएगा जब तक ये पूरा स्मूथ पेस्ट ना बन जाए। तो चलिए हम लोग चलते हैं इसको कुक करते हैं। तो हम लोगों ने पैन को थोड़ा हीट किया, फिर उसमें थोड़ा सा ऑयल ऐड करेंगे। हद बहुत ही कम ऐड करना है, देखिए। और फिर इसमें हम लोग अपना बैटर डालेंगे, देखिए बहुत थिक हो चुका है। इसको थोड़ा सा मिलाया, अगर आपका बैटर कुछ ज़्यादा ही थिक हो जाए तो उसमें आप दूध डालिए और उसको फिर से जब मिक्सिंग में ब्लेंड कर दिए तो आपका देखिए इतना थिन हो जाएगा। इसमें हमको कुछ चम्मच चलाने की जरूरत नहीं पड़ी, ऐसे ही ओवल शेप में आ गया, देखिए ओवल से गोल शेप में आ गया। देखिए हमने कुछ नहीं किया इसमें, बस इसको अब हीट होने दीजिए। नीचे से ये पक जाएगा तो अपने आप फ्लफी हो जाएगा, फिर इसको आराम से हम लोग क्या करेंगे, इसको फ्लिप कर देंगे। फ्लफी होना स्टार्ट ही हो गया, देखिए यहाँ पे बबल्स टाइप में आ रहे हैं, देखिए यहाँ पे बबल्स टाइप में आ रहे हैं, ये देखिए। बस अब हम लोग इसको क्या करेंगे, हल्का हल्का से पहले देखा, ठीक, इसको उठाया, फ्लिप। तो हम लोग का प्रोटीन पैनकेक हो गया है रेडी, देखिए ऐसा है। फिर इसको बस ऊपर से हनी के साथ हम लोग खाते हैं इसको, ऊपर से खाते हैं, ये देखिए। बस ठीक है, कुछ खास नहीं। हाँ, अपनी बनाई चीज सबको अच्छी लगती है। चलो चलो, बढ़िया यार, मजा आ गया। थैंक यू भाई, थैंक यू। जिनके मुंह का स्वाद खराब हो तो हम क्या कर सकते हैं।